नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। व्यूअर्स को कॉम्प्रिहेंसिव अपडेट प्रोवाइड करने के लिए क्रिप्टो टीवी हुआ है अब 3.0 टीवी में रिब्रांड। क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, मेटावर्स, नॉन फंजिबल टोकन, सिक्योरिटी और लेटेस्ट डिजिटल सेगमेंट से जुड़ी हर वेब 3 रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी चैनल। तो सबसे पहले क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में। सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। की इकोनॉमिक डेटा से पहले क्रिप्टो करेंसीज में दिखी अस्थिरता। क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने दी स्टेकिंग बिजनेस को बंद करने की धमकी। कैश समर्थित HUSD स्टेबल कॉइन ने खोया पेक, $0.88 तक दिखी गिरावट। इथेरियम के कोफाउंडर विटालिक बुटेरिन और XRP CTO के बीच दिखी तीखी बहस। सेलर प्रोटोकॉल पर हुआ हमला, $240,000 के मूल्य की ETH की हुई चोरी। साउथ कोरियन रेगुलेटर ने अवैध संचालन करने वाले 16 क्रिप्टो एक्सचेंजेस का लिया नाम। DCG ने ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म डी वॉलेट लैब्स के लिए जुटाए $5 मिलियन फंड। AR रहमान ने की मेटावर्स में एंट्री। गुलजार अपनी बेहतरीन कविताओं को देंगे NFT का रूप। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। की इकोनॉमिक डेटा के जारी होने और कच्चे तेल की कीमतों में एक पलटाव से पहले US स्टॉक्स को ट्रैक करते हुए गुरुवार को अर्ली US ट्रेड्स में क्रिप्टोकरेंसीज में उतार चढ़ाव देखा गया। इकोनॉमी की मजबूती पर बढ़ते डाउट के बीच मिक्स इकोनॉमिक डेटा के बीच मेजर स्टॉक इंडेसिस के निचले स्तर पर समाप्त होने के एक दिन बाद US स्टॉक्स में फ्लैट ट्रेड होते हुए देखा गया, जो अनसर्टेनिटी को दर्शाता है। फेड की पॉलिसी रेट से बंधे फ्यूचर्स के ट्रेडर्स को उम्मीद है कि सेंट्रल बैंक सितंबर में 0.5 परसेंटेज पॉइंट की रेट बढ़ाएगा, जिसमें 75 बेसिस पॉइंट बढ़त की सिर्फ 40% संभावना होगी। आगे देखते हुए अगस्त के लिए US इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स और फिलाडेल्फिया फेड मैन्युफैक्चरिंग सर्वे के वीकली प्रिंट्स इकोनॉमी में अधिक इंसाइट्स प्रदान करेंगे। इन सबके बीच बिटकॉइन के पिछले 24 घंटों में 0.2% की बढ़त के साथ $23,500 के पास ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ETH को उसी समय के दौरान 1.5% की बढ़त के साथ अराउंड $1,860 पर ट्रेड किया था। वहीं दूसरे मेजर ऑल्टकॉइंस को मिक्स ट्रेड करते हुए देखा गया। क्रिप्टोकरेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन में $1.12 ट्रिलियन के साथ थोड़ा बदलाव देखा गया। US में सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस ने सैंक्शन ट्रांजैक्शंस को रोकने के लिए सरकारी आदेश का पालन करने के बजाय एक्सचेंज की इथेरियम स्टेकिंग सर्विस को बंद करने की धमकी दी है। कॉइनबेस को फाउंडर और CEO ब्रायन आर्मस्ट्रांग ने ओपन सोर्स एनालिटिकल टूल रॉटकी सॉल्यूशन के फाउंडर लेफ्टेरिस करापेट्स के एक सवाल के जवाब में शटडाउन के बारे में कॉमेंट की, जब उन्होंने पूछा कि क्या एक्सचेंज दबाव में झुक जाएगा। कॉइनबेस में सभी स्टेक इथर का लगभग 14% हिस्सा है, जिसमें 1.9 मिलियन से ज्यादा ETH नेटवर्क बीकॉन चेन के अपने यूजर्स के भियाव से लॉक्ड है। स्टेबल यूनिवर्सल द्वारा जारी किया गया HUSD स्टेबल कॉइन $0.88 तक गिर गया है, जो इसके प्लान $1 पेक से 10% से ज्यादा की गिरावट को रिप्रेजेंट करता है। बता दें कि सो कॉल डीपेक FTX के 16 दिनों के बाद हुआ है क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने HUSD को अपने सपोर्ट USD स्टेबल कॉइन की बास्केट से हटा दिया है। HUSD का मार्केट कैपिटलाइजेशन $142.5 मिलियन है। ब्लॉकचेन बेस्ड पेमेंट नेटवर्क रिपल के CTO डेविड श्वार्ट्स ने ईबे शेयर होल्डर्स के लिए इथेरियम और बिटकॉइन माइनर्स की तुलना करके और इन प्रोजेक्ट्स की नेटिव करेंसी को सिक्योरिटीज के रूप में संदर्भित करके पहले से ही छिड़े विवाद को तूल दे दिया है। श्वार्ट्स की कमेंट इथेरियम के फाउंडर विटालिक बुटेरिन के ट्वीट के रिस्पांस में थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि XRP ने सुरक्षा का अपना अधिकार खो दिया था जब उन्होंने हमें बस के नीचे फेंकने की कोशिश की और हमें चाइना कंट्रोल कहा। इस विवाद की शुरुआत रिपल की US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ चल रही लड़ाई में हुई है, जो फंड जुटाने के लिए पेमेंट नेटवर्क के खिलाफ है। ब्लॉकचेन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोटोकॉल सेलर नेटवर्क का सी ब्रिज प्रोजेक्ट DNS हाईजैकिंग अटैक का टारगेट बन गया है। एक्सप्लॉइट का पता चलने से पहले अटैकर्स ने अराउंड $240,000 निकाल लिए, फिर टोर्नेडो कैश क्रिप्टो टम्बलर में ट्रांसफर कर दिया है।
17 अगस्त को टीम ने कम्युनिटी को सस्पिशियस डीएनएस एक्टिविटी के बारे में सूचित किया है। एक जांच के बाद ये पाया गया है कि यूआई हाईजैक का उद्देश्य यूजर्स को कॉम्प्रोमाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए रीडायरेक्ट करना था। ऐसे में यूजर्स की सुरक्षा के लिए सी ब्रिज फ्रंट एंड यूआई को डिसेबल कर दिया गया था। सेलर ने खुलासा किया है कि टीम हमले का तुरंत जवाब देने में सक्षम थी, जिसके रिजल्ट में यूजर्स का केवल एक सबसेट प्रभावित हुआ। साउथ कोरिया की एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी ने 16 फॉरेन क्रिप्टो फर्म्स को अपने निशाने पर लिया है। उनका कहना है कि वे प्रॉपर रेगुलेटरी अप्रूवल के बिना देश में काम कर रहे हैं। साउथ कोरिया के फाइनेंशियल सर्विसेज कमीशन यानी FSC के हिस्से कोरिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट यानी KOFIU ने कहा कि फर्म्स ने क्रिप्टो का विज्ञापन किया था और रिक्विजिट रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए बिना कोरियाई लोगों को सेवाएं प्रदान की थी। जिन फर्म्स के बारे में इलीगल बिजनेस एक्टिविटीज करने की बात कही गई है उनमें कूकॉइन, MEXC, फेमेक्स, XT.com, बीट्रू, ZB.com, बिट ग्लोबल, कॉइन डब्ल्यू, कॉइन एक्स, AAX, जूम एक्स, पोलोनिक्स, BTCX, BTCC, डिजिफिनेक्स और पायोनिक्स का नाम भी शामिल है। एजेंसी ने क्रिप्टो यूजर्स को अनरजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म के साथ एंगेज होने के अगेंस्ट भी चेतावनी दी है, जो यूजर्स को पर्सनल इंफॉर्मेशन ब्रीच और हैकिंग के जोखिम के प्रति वल्नरेबल बना सकती है। नोड कैपिटल और डिजिटल करेंसी ग्रुप यानी DCG ने डी वॉलेट लैब्स के लिए $5 मिलियन के प्री सीड फंडिंग राउंड को कोलिट किया है, जो एक ब्लॉकचेन सिक्योरिटी फर्म है जो ODC नेटवर्क के लिए प्रोजेक्ट डेवलप कर रही है। एक नई लेवल ब्लॉकचेन कस्टमाइजेबल एक्सेस परमिशंस के लिए इसके साथ इसका डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो वॉलेट्स पर फोकस है। फंडिंग राउंड में दूसरे पार्टिसिपेंट्स में एम्पलीफाई पार्टनर्स, लाइटशिप कैपिटल, लिक्विड टू वेंचर्स, कॉलिडर वेंचर्स, सेरुलियन वेंचर्स और अर्ल ग्रे कैपिटल भी शामिल है। इंडियन फिल्म कंपोजर, रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, सिंगर और सॉन्ग राइटर AR रहमान ने Web3 की दुनिया में लेटेस्ट इंट्रान के रूप में अपना मेटावर्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। रहमान ने ट्विटर पर अपने मेटावर्स प्रोजेक्ट के लॉन्च की जानकारी दी। रहमान ने नए मेटावर्स प्रोजेक्ट को कतरार ये टाइटल दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने एक वीडियो पोस्ट करने के बाद माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर लिखा है, उत्सुक हो जाए। ऐसे में इसका अनुभव करने के लिए यूजर्स को अपने ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करके मेटावर्स प्रोजेक्ट की वेबसाइट के लिए साइन अप करना होगा। यूजर्स सर्विसेज का लाभ लेने के लिए सब्सक्राइब का ऑप्शन भी चुन सकते हैं। इस तरह प्रोजेक्ट के कुछ आस्पेक्ट्स अभी भी लोगों के सामने नहीं आए हैं। हालांकि रहमान मेटावर्स में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय सेलेब नहीं है। उनसे पहले कमल हसन, दलेर बेंदी और इस नए टेक्नोलॉजिकल एवेन्यू के साथ काम करने वाले पहले भारतीय हस्तियों में से कुछ थे। संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार एक महान कवि, उन्होंने अपनी टाइमलेस कविताओं के NFTs बनाने के लिए कल्चर मिंट के साथ हाथ मिलाया है। यह NFT स्पेस में एक महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि ये पहली बार है जब अपने कैलिबर के किसी कवि ने अपने काम को डिजिटल टोकन में तब्दील करने का फैसला किया है। ये टोकन culturemint.com पर परचेस किए जाने के लिए अवेलेबल होंगे। इस कोलैबोरेशन के हिस्से के रूप में समंदर, लाल हवेली, बारिश और वन साइडेड लव सहित उनकी कुछ बेहतरीन काम को डिजिटल रूप में अमर कर दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नए खबरों के साथ बने रहिए 3.0 TV के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।